हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पर्श क्लासेस। मेरा नाम है विप्रा जैन और आज हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में। बीएड फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। माइक्रो टीचिंग को समझने से पहले हमें जानना होगा टीचिंग क्या है। टीचिंग इज द प्रोसेस टू गिव मॉरल वैल्यूज एबिलिटीज स्किल्स by an experienced person to an inexperienced person in order to ensure positive change in behavior useful in developing oneself and the society। टीचिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम टीचिंग में, जो हम कॉलेज जाते हैं स्कूल जाते हैं, हमें क्या मिलता है? हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है। साथ ही साथ सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना या नॉलेज लेना टीचिंग नहीं होती। इन्फॉर्मेशन नॉलेज के साथ साथ हमें नैतिक गुण भी मिलते हैं, मॉरल वैल्यूज़ भी मिलते हैं। हमें टीचर्स हमें मॉरल वैल्यूज़ भी बताते हैं कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, इस तरह से हमें पेश आना चाहिए समाज के सामने। तो वो सभी जो नैतिक मूल्य हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, वे भी हमें दी जाती है। तो टीचिंग प्रोसेस क्या है? पूरा ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और साथ साथ ज्ञानात्मक पक्ष भी होता है। मतलब फिजिकली भी, मेंटली भी, हर तरह से उसका विकास हो सकता है। अब बात आती है माइक्रो टीचिंग की। माइक्रो टीचिंग नाम ही से ही पता चल रहा है, टीचिंग का एक माइक्रो रूप, यानी कि टीचिंग का एक छोटा रूप। अब ये है कि इसको टीचिंग का छोटा रूप क्यों कहा जाता है? इससे टीचिंग का छोटा रूप इसलिए कहा जाता है कि जो इसमें स्टूडेंट्स की संख्या होती है वो केवल 5 से 10 होती है। इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो केवल 5 से 10 स्टूडेंट्स ही होते हैं और उन्हें आपको केवल 5 से 10 मिनट ही पढ़ाना होता है। आपका जो भी कंटेंट हो उसको आपको 5 से 10 मिनट के अंदर उनको पढ़ाना होता है, इसीलिए इसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं। अब आती है इसके प्रॉपर डेफिनेशन की बात। माइक्रो टीचिंग इज अ ट्रेनिंग टेक्निक, एक ट्रेनिंग टेक्निक है। बीएड के कोर्स में ये माइक्रो टीचिंग हमें कराई जाती है। क्यों? ट्रेनिंग देते टाइम जब हमें एक टीचर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है तो इसलिए ये एक ट्रेनिंग टेक्निक है। विच रिक्वायर्स स्टूडेंट टीचर। स्टूडेंट टीचर्स कौन होते हैं? जो बीएड कर रहे होते हैं, जो बीएड के छात्र होते हैं वो स्टूडेंट भी है लेकिन साथ साथ टीचर भी हैं, तो उनको स्टूडेंट टीचर या छात्र शिक्षक भी कहा जाता है। तो माइक्रो टीचिंग इज अ ट्रेनिंग टेक्निक विच रिक्वायर्स स्टूडेंट टीचर्स टू टीच अ सिंगल कॉन्सेप्ट यूजिंग स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल्स टू अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। किस चीज की टेक्निक है? टीच अ सिंगल कॉन्सेप्ट। इसमें हम पूरा चैप्टर नहीं लेते, इसमें सिर्फ चैप्टर का एक सिंगल कॉन्सेप्ट, सिंगल टॉपिक ले लेते हैं और उसी को हम प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स के सामने। कैसे प्रेजेंट करते हैं? यूज करके स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल्स का। कुछ टीचिंग स्किल्स आती हैं, उन स्किल्स का यूज करके हम एक छोटा जो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स का ग्रुप है, 5 से 10 बच्चे जो हैं, उनके सामने 5 से 10 मिनट तक प्रेजेंट करते हैं। ये जो डेफिनेशन है माइक्रो टीचिंग की, ये प्रोफेसर बी के पैसे ने दी है। अब बात आती है साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप वाइज स्टेप ही माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस चलता है। इसके टोटल स्टेप्स 6 स्टेप है और इसका जो टाइम है वो 36 मिनट है। अब बात आती है साइकिल की। ये आपके सामने साइकिल है माइक्रो टीचिंग का। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या आता है? प्लानिंग। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम क्या क्या करते हैं? हम सबसे पहले अपना कंटेंट देखेंगे कि हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाना क्या है, वो हमारा कंटेंट होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा प्लानिंग में? हम कि हम अपने कंटेंट का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद हम उसकी प्लानिंग करेंगे कि वो हमें स्टूडेंट्स के सामने किस तरह से प्रेजेंट करना है। हम हमेशा यही चाहेंगे कि जो हम प्रेजेंट करें वो इफेक्टिव हो और जो स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। तो हम उसकी पहले से प्लानिंग करते हैं। क्या प्लानिंग करते हैं? कि हमें इसमें क्या टीचिंग एड्स यूज़ करने चाहिए। ऐसे टीचिंग एड्स यूज़ करने चाहिए जो स्टूडेंट्स को तुरंत हमारा टॉपिक समझ में आ जाए। तो वो सब प्लानिंग के अंदर आएगा कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और क्या क्या टीचिंग एड्स यूज़ करनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है टीच। इसमें क्या करते हैं? हमने जो भी प्लानिंग की है
उसको हम स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करते हैं, उसी को हम टीचिंग कहते हैं। नेक्स्ट अब जो पॉइंट आता है वो आता है फीडबैक। हमने पढ़ा लिया, हमने अपना कंटेंट प्रेजेंट कर चुके, हम 5 से 10 मिनट हमने प्रेजेंट कर लिया। उसके बाद जो टीचर्स होंगे या सुपरवाइज़र जो हमें सुपरवाइज कर रहे होंगे, जो हमारे टीचर या सुपरवाइज़र एक पीछे बैठा होगा क्लासरूम में कि वे हमें सुपरवाइज कर रहे होंगे कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, तो वो हमें फीडबैक देंगे। फीडबैक में क्या देंगे? वो हमें कमेंट्स देंगे कि हमने क्या तो अच्छा किया और क्या हमने कमी रह गई हमारे काम में। तो वो हमें हमारा प्लस पॉइंट भी बताएंगे और माइनस पॉइंट भी बताएंगे। उसके बाद आता है रीप्लान। जब हमें हमारी कमी भी पता लग गई और अच्छाई भी पता लग गई, तो हम अच्छाई को तो और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे और जो हमारी कमी है उनको सुधारने की कोशिश करेंगे और रीप्लान करेंगे। रीप्लान ऐसा करेंगे जिसमें जो पहले कमी हुई है वो कमी ना हो सके, ऐसी कोशिश हम करेंगे। तो हम अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगे और उसका रीप्लान करेंगे। उसके बाद वो सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा। रीप्लान करने के बाद रीटीच करेंगे और फिर एंड में हमें रीफीडबैक मिलता है। रीफीडबैक में हम कोशिश करते हैं कि हमें जो नेगेटिव पॉइंट है वो कम से कम मिले, ना के बराबर ही मिले। तो ये आपका पूरा साइकिल है माइक्रो टीचिंग का, जिसमें 6 स्टेप्स हैं और जो टोटल टाइमिंग आती है प्लानिंग से और रीफीडबैक तक वो 36 मिनट होती है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने पीछे बताया था माइक्रो टीचिंग में सिर्फ 5 से 10 मिनट पढ़ाना होता है, वो 5 से 10 मिनट टीचिंग का होता है जो हम क्लास के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो अगर हम पूरा साइकिल का टाइमिंग देखें, प्लानिंग की, टीचिंग की, फीडबैक की, रीप्लान की, रीटीच, तो उसमें जो टोटल टाइम होता है वो 36 मिनट होता है। अब आता है माइक्रो टीचिंग की स्किल्स। स्किल कौन कौन सी है जो हम माइक्रो टीचिंग में यूज़ करते हैं? फर्स्ट है हमारी इंट्रोडक्शन स्किल, सेकंड है एक्सप्लेनेशन स्किल, थर्ड है ब्लैक बोर्ड स्किल, फोर्थ है क्वेश्चनिंग स्किल, फिफ्थ है री इन्फोर्समेंट स्किल और सिक्स्थ है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। वैसे तो बहुत सारी स्किल्स हैं, लेकिन जो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्किल होती है जिसके बिना आपका टीचिंग इफेक्टिव हो ही नहीं सकता, वे इंपॉर्टेंट स्किल्स ये आपके सामने हैं। इनके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम आपको सिर्फ स्किल्स के नाम बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके बारे में पूरी डिटेल विद एग्जाम्पल्स आपको वीडियो मिल जाएगी। अब आते हैं बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, हमें क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं? तो सबसे पहला तो एडवांटेजेस हो गया कॉन्फिडेंस बूस्टर। सिंपल सी बात है, हमें पता है माइक्रो टीचिंग में हमारे सामने सिर्फ 5 से 10 बच्चे बैठे होते हैं। एक बात तो ये हो गई कि हमें शुरू में ही हम टीचर बने और स्टार्टिंग में हमें 35 से 40 बच्चों की क्लास कक्षा में हमें भेज दें, तो हमें जो हमें कंटेंट होगा वो हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा, जो हमने प्रिपरेशन कर रखी वो भी थोड़ा हम बच्चों के नंबर्स को देख के अपना ही कॉन्फिडेंस लूज कर लेंगे। लेकिन जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं उसमें हम सिर्फ 5 से 10 बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जो हमारा कॉन्फिडेंस आता है वो हमारा बढ़ता है। पढ़ाने पढ़ाते पढ़ाते हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो ये हमारे इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट है मास्टरिंग स्किल। जैसा कि हमने बताया है, इसमें अलग अलग स्किल्स को हम लेके चलते हैं, हर स्किल्स में हम अलग अलग काम करते हैं। तो जब तक हम एक स्किल को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते हम सेकेंड स्किल नहीं करते। तो इसका ये भी बेनिफिट है कि हम एक छोटी से छोटी स्किल में भी अच्छी तरह से निपुण हो जाते हैं, मास्टरिंग कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ इवेल्युएशन। जिस रूम में हम माइक्रो टीचिंग कर रहे होते हैं उस रूम में वीडियो टेप रिकॉर्डर, कैमरे वगैरह रिकॉर्डिंग्स लगी होती हैं, जिस कारण हम क्या है हम अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं। वीडियोज़ को देखकर हम अपने आप ही इवेल्युएशन कर सकते हैं कि हमने क्या कमी करी है, क्या कहाँ हम गलत थे और कहाँ हम सही थे। अब हमने सेल्फ इवेल्युएशन कर लिया तो हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टेंट फीडबैक। जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी कि हमारे जो सुपरवाइज कर रहे होते हैं वो हमें हमारा प्लान देखेंगे कि हमने कैसे टीचिंग किया, कैसे प्रेजेंट किया, और उसके बाद हमें फीडबैक देंगे। तो हमें इंस्टेंटली फीडबैक मिल गया हमें, उसके बाद हमें उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते। नेक्स्ट आता है प्रिकॉशन इन यूजिंग माइक्रो टीचिंग। अब जब हमें माइक्रो टीचिंग यूज़ कर रहे हैं तो हमें कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे कि फर्स्ट है कीप इन माइंड ऑल कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्किल। स्किल्स के कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं, उन कॉम्पोनेंट्स को हमें माइंड में रखना चाहिए जब भी हम जिस स्किल को यूज़ कर रहे हैं। मान लो हम इंट्रोडक्शन स्किल यूज़ कर रहे हैं, तो हमें हमारे माइंड में स्किल इंट्रोडक्शन स्किल के सभी कॉम्पोनेंट्स होने चाहिए ताकि जो हमारी गलतियाँ हैं वो कम से कम हो सके।
हमें पता हो कि हमें क्या यूज़ करना है, किस तरह से पढ़ाना है, अगर हमारे माइंड में कंपोनेंट्स रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमें ये गलती नहीं करनी है, हम उसी तरह से अपने प्लान को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि जिस स्किल पर हम काम कर रहे हैं उस स्किल के सभी कंपोनेंट्स को हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। और सेकंड हो गई वन स्किल एट वन टाइम, एक समय में हमें केवल एक ही स्किल पर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक साथ दो स्किल को लेकर चलें, इंट्रोडक्शन स्किल भी ले ली, एक्सप्लेनेशन स्किल भी ले ली और दोनों पर साथ में काम करने की कोशिश करें, तो क्या है हमारी कोई ना कोई स्किल कमज़ोर रह जाएगी। तो हमें एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्किल करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।